This is the hotel, and you can see the parking. Even they have the basement parking, they already keep it insecure. So that is a good sign of Hotel Sunrise at Jhansi. So ye hai parking area, itna bada hai. They have stuff, and here is apni bike. So friends, bike is all set. We are good to go to MP. So this was the hotel which I already show you, Hotel Sunrise. Let's start the ride. Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So time is 6:15, 15 minute late. Oh, little puppy, be careful man. सो उज्जैन का प्लान था महादेव टेम्पल का, और उज्जैन में बहुत ज़ोर से बारिश गिरी है. सो वी अवॉइडेड ऑल द प्लेसेस विच वी प्लान टू विजिट. सो अभी सिर्फ हाईवे के ऊपर रहेंगे, कोई भी सिटी के अंदर इंटर नहीं करेंगे. सो द डिस्टेंस टुडे वी हैव टू कवर इज 287 किलोमीटर, फॉर विच गूगल इज सेविंग 4 hours 45 minutes. 11 बजे तक पहुँचेंगे आई डोंट थिंक, कल भी ऐसे ही लगा था, बट बाद में क्या हालत हो जाती है आपने तो देख ही लिया रहेगा लास्ट व्लॉग में. भाई हमें तो झांसी की गलियां बहुत अच्छी लगी यार, एज़ कम्पेयर टू बीकानेर, जयपुर एंड आगरा. बहुत बड़े बड़े रोड्स हैं, लोग बुरे चलाते हैं, बट इतने बुरे नहीं जितने आगरा और जयपुर में चलाते हैं यार. सो ये हम लग गए शिवपुरी बाईपास हाईवे पे, दैट इज़ नेशनल हाईवे 44 एंड 27. वाओ रे, नज़ारा देखिए यार, ब्यूटीफुल है. हम बात कर रहे थे आरटीए चेक पोस्ट. सो आरटीए चेक पोस्ट पे बिंदास पुलिस की कमाई चालू यार, हर एक के हाथ मिले से वो हाथ नीचे करता है, ये हाथ में चुपचाप दबाता है, जस्ट लाइक मुंबई ट्रैफिक कॉप्स, सुमड़े में लेके किसे में डालता है, गाड़ी आगे जाती है. क्या बात है यार, अच्छी चेक पोस्ट चल रही है आपके यहाँ पे, बैठे बैठे कमाई है पुलिस की. सो दिस हाईवे ऑल्सो गोज टू उदयपुर एंड कोटा. उदयपुर इज 587. मीटिंग चल रही है मैडम आपकी, ये नाराज है क्या फ्रेंड? देख लीजिए, उदयपुर इज 547, कोटा इज 273, चंदेरी 93. 7:04 हुए, जिससे अच्छा खासा कवर हो रहा है, पर इतना भी अच्छा खासा नहीं हो रहा है. नॉट मोर देन 80 किलोमीटर के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि इस रोड पे देखो मैंने कुत्ते बहुत है यार, बहुत कुत्ते हैं. देखिए किधर से घूम रहा है, देखो कुत्ता बहुत है, किधर से भी आ जाते हैं. वाओ फार्मिंग लैंड, क्या खेती मस्त लग रही है यार, ग्रीनरी ग्रीनरी, ये सब ग्रीनरी देखिए कि मन को इतना सुकून लगता है ना, पूरा रिफ्रेश हो जाता है यार माइंड, पूरी थकान चली जाती है. दैट्स व्हाई आई प्रिफर दिस सीजन टू राइड. रेनी कंडीशन के बाद 2 या 3 महीने बाद राइड करो, सुपर आंखों को एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा देखने मिलेगा. ओहो वाओ, ये तो बनता है दोस्त, क्या बॉर्डर से स्टार्ट हुआ है, लेक इतना बड़ा है यार, ये लेक है या बिकॉज ऑफ हेवी रेन, मुझे तो खेत लग रहा है ये कोई तो, बिकॉज ऑफ हेवी रेन ये हालत हुई है. ओ हो सॉरी, ओ मैन, रोड तो देखो भाई साहब, स्ट्रेट लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन, रोलर की जैसा, कितना बड़ा ब्रिज है यार ये, काश मेरे पास ड्रोन होता यार, काश. वो कैसे माउंटेन काट के रोड बनाया यार, सब नज़ारा देखिए, नज़ारा पूरा कोहरा छाया हुआ है, कोहरा ही कोहरा है बॉस, स्पेसिफिक लाइन के बाद आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है.
सवा घंटे में 100 किलोमीटर नॉट बैड, बहुत बढ़िया रोड था ये, बहुत बढ़िया रोड था। 27 खत्म हो गया, अभी स्टार्ट होगा NH 46। हम आ गए नेशनल हाईवे 46 पे। आज की राइड में बहुत मजा आ रहा है। ये हाईवे देखिए सर जी कितना बड़ा है ये। ओ शिट बेचारा, ऐसे कुत्ते ऐसे क्यों करते यार हाईवे के ऊपर। साइड से जाओ ना यार। टोल बूथ बहुत बड़ा है यार, ये हाईवे बहुत बड़ा है। यहाँ पे पीते हैं चाय, मॉर्निंग चाय बॉस एंड बिस्किट्स। फ्रेंड्स नज़ारा देखिए यार, क्या गजब का नज़ारा है। व्हाट ग्रीनरी मैन, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल हाईवे NH 46। अपनी बाइक कूल मैन। सो फ्रेंड्स ऑलवेज आई गेट लॉट्स ऑफ कमेंट अबाउट व्हाट अबाउट द पिलियन कंफर्ट। सो पिलियन कंफर्ट के लिए आप देख सकते हैं मेरी वाइफ ने खुद ये सीट रेडी की है। इट इज वेरी सॉफ्ट, ये देखिए कितनी अंदर जाती है। और ऑल्सो अपना जो स्टॉक सीट है उसको तो मैंने सॉफ्ट करा ही लिया है, दो लेयर ऊपर ऐड करके। वो तो दैट वाज बिफोर माय कन्याकुमारी रामेश्वरम राइड। सो पिलियन कंफर्ट बहुत अच्छा हो गया। देखिए मेरे साइज़ की इतनी उसकी भी सीट है। शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दिस लगेज बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द टॉप लगेज रैक। टॉप लगेज प्लेट ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। देखिए यहाँ पे इतना भी स्पेस अभी भी बाकी है। टोटल वेट अभी इस बाइक के ऊपर है अराउंड मोर देन 20 kgs। यस बिलीव मी, जुबे सर ने तो बोला था सिर्फ 10 kg ले लेगा, पर क्या करे, लेडीज साथ में रहती थी, आप लोगों को तो पता ही है कैसे होता है। तो लगेज ज़्यादा है। अभी तक की राइड में अराउंड 3000 kilometers हो गए अपनी राइड के। सो अभी तक की राइड में लगेज प्लेट का कुछ तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। थैंक यू जुबेर सर, थैंक यू। तो दोस्तों टी ब्रेक हो गया, बट थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे के ऊपर चला गया। अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ब्यूटीफुल स्नैप देखने मिलेंगे आपको। क्या नज़ारा यार, एकदम ब्यूटीफुल है यार। ग्लोव पहन लिया बॉस मैंने, आप बोलोगे ग्लोव नहीं पहनता है। चालू है सब गाइस की गाइस, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। अभी इनको कौन हिलाएगा यार, ट्रक वाले के पीछे रहना चाहिए था। शिट गाइस क्या है ये, अरे पूरा रोड ले लिया आपने, दू क्या धक्का, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं हम। पूरा रोड, अरे रे रे, पूरा गोबर ही गोबर कर दिया हाईवे को आपने यार। ये हाईवे ना मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ना, उससे भी बहुत बढ़िया है यार। रोज वैसे हाईवे पे लोग बाइक अलाउ नहीं करते, और यहाँ पे देखिए उससे भी ब्यूटीफुल हाईवे पे सब कुछ अलाव है। जन्नत मैन जन्नत, क्या व्यू है यार। होप जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ वैसे दोस्तों आप भी इंजॉय कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी, ये रेलवे ट्रैक और ये ब्यूटीफुल लेक। भाई कत्ल है कत्ल, क्या व्यू है यार। मेरे को कैमरा बंद करने का मन ही नहीं होता यार, बंद किया झट से अच्छा व्यू आता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिखा दूं। क्या व्यू है यार, वाओ। ओ शिट इसी की बात कर रहा था मैं दोस्तों। देखो मार के चली गई इनको। शिट मैन शिट, नहीं होना चाहिए ना यार। क्यों यहाँ पे सब गाइस यहाँ पे रोड पे बैठते हैं यार, यहाँ पे साइड में जाके बैठो ना। क्या है रोड में बैठने के लिए, आपको घास खानी है, भावजू में मिलती है, ये देखो ऐसे करो ना, क्यों रोड पे आती हो यार। शिट, चेरे मालिक का भी नुकसान हो गया, उसकी जान चली गई वो अलग। अब ये लकीली ट्रक वाला होगा गाड़ी वाला का, उसका भी नुकसान हुआ रहेगा। बाइक वाले का सोचो यार, अगर बाइक वाला फास्ट गया उसके ऊपर तो क्या, वो भी ऑन द स्पॉट मर ही जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ तो करना चाहिए यार ये सब चीज़ के लिए। दिस इज द हाईवे फॉर कार्स ट्रक्स बाइक, नॉट फॉर द एनिमल्स।
ये देखो फ्रेंड्स, कुत्ता खा रहा है उस शिट, वो मार रहे हैं उनको। ये देखो यहाँ पे, अरे भाई ब्रिज के ऊपर आके यहाँ पे आके बैठ सकती हो आप, चल सकती हो, नीचे क्यों नहीं घूमती हो जहाँ पे ग्रास है? यहाँ पे क्या ग्रास खा रही हो आप? क्या यार, बिल भी देना। सो पेट्रोल है फिलअप ऑफ 500 रुपीज़, बिल देना 6.45 लीटर्स। सो दोस्तों, जैसे जैसे हम मुंबई के पास में जा रहे हैं, पेट्रोल वापस महंगा होते जा रहा है। जैसे जैसे मुंबई से दूर गए थे, गुजरात राजस्थान 8-8 रुपया सस्ता था यार। सो स्टिल 93 किलोमीटर हैव टू गो, इट विल टेक 1 hour 35 minutes एंड इट्स 9:32। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे दूसरा हाईवे मिला है, ये भी हाईवे क्या ब्यूटीफुल है, क्या सिनारो है, रोड्स इतने मस्त है। NH 46 तो बहुत अच्छा लगा मुझे यार, क्या व्यू है यार, ऑसम। सामने देखिए व्यू, वाह। सो दैट इज द प्लेस ब्यावरा, ब्यावरा। हमें आज की जर्नी एंड करेंगे ब्यावरा में, जस्ट 71 किलोमीटर्स अहेड एंड वी स्टॉप हियर टू क्लिक सम स्नैप्स एंड वी फाउंड दिस किड्स, दे आर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जा रहे हो ना? कितने में पढ़ते हो? क्या बात है, 10th, तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, बोर्ड के एग्जाम्स सभी 10 में हो, क्या बात है। अभी तो एग्जाम को है, अभी आधा साल बाकी है। हम मुंबई से आए, अभी मुंबई वापस जा रहे हैं, घूम के आए पूरा, अभी मुंबई वापस जा रहे हैं। पढ़ाई करना अच्छी, चलो। सो फ्रेंड्स, हम हैं पार्वती नदी के ऊपर, क्या नदी भरी है यार, पूरी खचाखच नदी भरी है। जैसे एमपी में एंटर किया है तब से रोड एकदम स्ट्रेट ही स्ट्रेट है और हरियाली ही हरियाली है। यू नो भाई, अपने पूरे भारत वर्ष का एकदम सेंट्रल पॉइंट है ये मध्य प्रदेश, सर्वगुण संपन्न। तो दोस्तों, अपनी इस राइड के एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुके 3001 किलोमीटर ईके एंड नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन बाइक, कूल मैन कूल। दैट्स द रीज़न बिकॉज आप देख सकते हैं कोई भी छोटी गाड़ी कार आज रास्ते पूरी राइड में दिखी ही नहीं, क्योंकि बहुत बारिश गिर रही है मध्य प्रदेश में, तो पब्लिक प्रीफर नहीं कर रहा है ट्रैवल करने के लिए, कमी है जो उठ के आ गए यहाँ पे। बट ऐसी कंडीशन में बाइक चलाने में मज़ा आता है। चलो दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक हम आ गए ब्यावरा विलेज में, बट मेरा जो होटल है वो विलेज के आगे है हाईवे पे। ब्यावरा शहर 2 किलोमीटर अंदर की तरफ है। भोपाल इज 170, भोपाल इजीली मार लेते थे यार। 46 जी, मिलते हैं कल वापस, कल मॉर्निंग 6 बजे शार्प। सो इट्स 10:54 एंड माय होटल इज जस्ट 600 मीटर्स अवे। पार्किंग भी अंदर है, सेफ बेस्ट। सो और क्या चाहिए हमें, बस चेक इन दिला दो 1 घंटा पहले। सो फ्रेंड्स, दिस आर द पार्किंग एरिया एंड दिस इज द होटल। इट इज़ एग्जैक्टली ऑन NH 46। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मुंबई और अवे गोइंग टूवर्ड्स मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, देन दिस इज़ द राइट प्लेस टू विजिट दिस होटल। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ द पार्किंग प्लेस। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे रहने का है ना, सो यू कैन स्टे, द क्वार्टर्स एंड द रूम्स आर हियर। सो दैट वॉज द पार्किंग एरिया, ये रहे अपना रूम, तो ये रूम है अपना, देर इज़ अ चॉइस, पूरा खाली है तो आप चाहिए तो ये रूम भी देख सकते थे। दिस इज़ द रूम, टीवी, द मोस्ट नीडेड एसी, फैन, स्मॉल सेट आउट एरिया एंड दैट्स मी। इट मी शो यू द बाथरूम, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स,
आई थिंक आज का ब्यूटीफुल जो नेचर भरा व्लॉग था वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, द हाईवेज ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट अच्छे लगे रहेंगे, ये ग्रीनरी आपको दिखा देता हूँ अभी अच्छी लगी रहेगी, तो यार लाइक बटन दबा दीजिए। एंड हाँ, आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आप इन फ्यूचर के व्लॉग भी आपको देखने, जो भी राइड्स फ्यूचर की होने वाली है हमारी टूवर्ड्स मुंबई और जो भी न्यू डेस्टिनेशन रहेगी वो, तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे रेड कलर का बटन देगा, जैसे एक बार क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, एकदम फ्री है, कुछ कॉस्ट नहीं उसका, तो नेक्स्ट फ्यूचर के व्लॉग्स आपको ऑटोमेटिकली देखने मिल जाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, बाय बाय। बॉस क्या व्यू है यार, सुपर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ है थोड़ा पंगा, पीछे के टायर की हवा एकदम कम हो गई है।